फ्रेंड वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी लोग अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगी, खैर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बता रही थी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कंप्यूटर का वर्गीकरण, तो मैंने लास्ट में बताया था आकार के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसमें मैं बताऊँगी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। तो लास्ट वाले में मैंने बताया था आकार के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उद्देश्य के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया। पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर यानी जनरल बेसिस कंप्यूटर, और सेकेंड जो है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। ठीक, यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा जो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। कोई डाउट हो क्वेरी तो इसे अपने दोस्त इसे अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।